मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ प्रभावित जिले पटना, गया और नालंदा के हवाई सर्वेक्षण कर लौटे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने आज हवाई सर्वेक्षण कर देखा और अब संबंधित जिले के पदाधिकारी से बात कर राहत के निर्देश भी देंगे। लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो इसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग भी सब कुछ कर रही है, साथ ही जातीय जनगणना को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से डेलीगेट्स की मुलाकात को लेकर हमने पत्र लिख दिया है, जब समय मिलेगा प्रधानमंत्री आए मुलाकात करेंगे। जो सर सर्वेक्षण चार जिले का, पटना का, नालंदा का, गया का, जहानाबाद का, चारों जिले के विभिन्न हिस्सों को जो प्रभावित है कई नदियों से शायद, और कई जगहों पर तो हमने देखा है आज कि बहुत ज़्यादा प्रभावित और एक खतरा और बढ़ सकता है। अगर गंगा नदी का जलस्तर और ऊंचा होगा तो वहाँ से आने वाले जितने भी नदियाँ हैं वो फ्लो वहाँ नहीं कर पाएगी, तो और ज़्यादा पानी फैलने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए आज ही एक चीज़ देख करके और कल ही हमने तय कर दिया है कि पटना जिला और नालंदा जिला के DM और उसके साथ और लोग जा करके पूरे तौर पर हमें बता दिया है, इसको पूरे तौर पर देख लीजिए और यहाँ तक कि टाल वाले एरिया को भी देख लीजिए क्योंकि खतरा हो सकता है वहाँ। और एक दिन उसके तुरंत बाद गया और यहाँ जहानाबाद, ये दोनों को पूरे तौर पर ये लोग और वहाँ के भी DM को दिखवा देंगे और फिर ये सब होने के बाद सब चीज़ को देखते हुए फिर हम नेक्स्ट वीक एक बार जाएंगे और पूरे तौर पर और हम दोबारा देखेंगे। वैसे हमने जो रूट बताया था उससे थोड़ा अलग ये लोग कर लिए, तो जो हम रूट बताए हैं क्योंकि जानते हैं सब एरिया से, हम उनका पुराना संबंध रहा तो सब बात जानते रहे, कभी कभी जो कुछ भी हुआ है तो एक बार तो हम और देखेंगे क्योंकि लग रहा है जो हमको लगा है आज कि खतरा बढ़ सकता है। अभी तो धीरे धीरे थोड़ा नियंत्रित करने के लिए भी जो काम करना है इन लोगों ने करना शुरू किया है, लेकिन फिर वर्षापात होगा और गंगा नदी का जैसा हमने बता दिया जलस्तर और ऊंचा होगा, फिर वैसी स्थिति में उधर से निकलने वाले नदियों का पानी उसमें नहीं जाएगा, रुकेगा और ज़्यादा फैल सकता है। छोटी नदियों का प्रकोप ज़्यादा है, छोटी नदियों का प्रकोप इस बार ज़्यादा है, छोटी नदियों में काफ़ी सब जगह नॉर्थ बिहार में और साउथ बिहार में हर जगह पर यह स्थिति है। तो आज हम इसी को देखने के लिए हम निकले क्योंकि जो कुछ भी हमने देखा है और हर दिन यहाँ से जो खबर आती है एक एक जगह के बारे में कि कहाँ पर क्या नदियों की स्थिति है, सारी खबर उन लोगों के डिपार्टमेंट के द्वारा जो हमको मिलता है, तो उसके बाद उसको देखते हुए और जो समाचार पत्रों में भी खबरें छपती और फिर कई लोग अपने अपनी जगहों से हमारे यहाँ फ़ोन करके जो बात बताते हैं, उसके आधार पर हमको ये लगा कि बहुत ज़रूरी है इसको देखना और ताकि तत्काल लोगों के हित में और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम ठीक ढंग से हो सके। सर, नदी जोड़ो योजना के बारे में आपने निर्देश दिया था, आपको लगता है वो तो एक अलग है हमारा, छोटी नदियों को अगर जोड़ा जाएगा तो ज़्यादा उससे एडवांटेज मिल सकता है। एक तो पानी को पत्र भेज दिया, समय मिलेगा उसके बाद ही। आपके MP अमित शाह से मिले, PM से नहीं मिल पाए, जबकि जित संतोष मांझी से कल PM के MP लोगों ने लिख करके दिया, वहीं से आया, तो अमित शाह जी से भी लोगों ने बातचीत किया है और अपनी बात रखी। सर, फोन टैपिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल देरी के बाद आखिर क्यों शिकायत की गई है? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट देख ही रहा है, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। केंद्र ने कहा है कि सर कोई सबूत नहीं मिला है, तो सब कुछ भी बात है तो एक एक चीज़ तो सामने आएगा ना कि कहाँ पर क्या हुआ, तो इसके लिए तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला है तो फिर उसमें सोचना क्या। लालू जी बहुत मुलाकात कर रहे हैं सर, लालू तक पहुँचाना बहुत जरूरी है क्योंकि फसल के लिए तो नुकसान है ही और फिर उसके लिए तो जितना पानी पड़ा रहेगा तो कहाँ से अब लोग कर सकेंगे, रोक सकेंगे, इससे दिक्कत होगी कुछ है, तो इसको लेकर के कराया जाए। चिंता की बात है लगता है सर, फ्लड को लेकर चिंता की बात है, खासकर पटना के लोग की बात है। लेकर के तो है ही, जिस तरह से पानी इतना ज़्यादा पड़ रहा है और अलग अलग जगहों पर, तो उसके लिए तो सचेत रहें। तो शुरू से ही आप देख रहे हैं, जहाँ कभी का होता हम जाकर के देख लेते हैं, वहाँ के DM को भी घुमा देते हैं और पूरा मीटिंग करके कह देते हैं कि भाई वहाँ पर जाकर के रिलीफ का काम करिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं
आपदा प्रभावित लोगों का जो अभी जो जितने लोग हैं उन्हीं का हक सबसे पहला है सरकार की खजाना, हम शुरू से ही बोलते हैं। इसलिए वैसे लोगों के लिए, गाँव के लिए, सब के लिए राहत देना जरूरी है। इसको हम तो आप जानते ही हैं कि हर इस पीरियड के बीच में सबसे ज़्यादा हम लोगों का ध्यान इसी विषय पर रहता है। पटना के बारे में ही हमने एक एक चीज बनवाया। सर पटना के बारे में कोई जानकारी मिल रही है कि नहीं? पटना को भी बाढ़ का खतरा है क्या, क्योंकि गंगा का जलस्तर भी शायद तेजी से बढ़ रहा है? पटना की भी स्थिति हो सकती है, इसलिए तो देख लेना एक एक चीज को जरूरी है ना, हर चीज़ को देखना कैसे क्या करना है, और पटना के लिए भी जो भी करना है उसके लिए भी अलर्ट रहना पड़ेगा पूरे तौर पर। सर कास्ट सेंसस को लेकर ऐसी ही खबरों के लिए करें SE24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।